मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड. टुडे आई एम हियर टू टीच यू द सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 4. सो लेट्स बिगिन नाउ. पेज नंबर 79, एक्सरसाइज 4J. एक्सरसाइज 4J. अभी तक आपने पीछे की क्लास में काउंट बाय फोर्स टू 40 एंड बैकवर्ड काउंट बाय 40 टू 4 पढ़ा है. टुडे वी विल स्टडी काउंट बाय फाइव्स फ्रॉम 5 टू 50. ऑल्सो काउंट बैकवर्ड बाय फाइव्स फ्रॉम 50 टू 5. यहाँ हम आज 5 से 50 तक और बैक काउंटिंग 50 से 5 तक पढ़ेंगे. कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल. यहाँ ये जैसा कि आप एक्सरसाइज 4A से पढ़ते आ रहे हैं, ये एक चक्र बना हुआ है. ये हमारा क्या है, एक टेस्ट होता है. मल्टीपल बाय 5, 5 से मल्टीप्लाई करके हमको लिखना होता है. तो देखिए एक एग्जांपल यहाँ दिया होता है. 4, 5 फोर्स आर इज 20. 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20. तो ऐसे हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं. यहाँ 50 इज आर, 51 इज आर, 52 इज आर, 53 इज आर, 54 इज आर, 55 इज आर, 56 इज आर. तो इस तरह से 5 का टेबल दिया हुआ है. ओके, 5, 52 जा 10, 53 जा 15, 54 जा 20, 55 जा 25, 56 जा 30, 57 जा 35, 58 जा 40, 59 जा 45, 510 आर 50. तो ये टेबल आपको कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 3, 1 बॉल फॉर रुपीज 5, देन 7 बॉल्स फॉर रुपीज. यहाँ पूछ रहा है 1 बॉल 5 रुपीज का है, तो 7 बॉल कितने रुपीज का होगा. तो डायरेक्ट हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं. 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 5 7 35. क्या आ गया यहाँ पर, 7 बॉल्स फॉर रुपीज 35. ओके, नेक्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट. 6 मल्टीप्लाई 5, 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ना है. तो 6 मल्टीप्लाई 5, 5 6 सा 30, 8 मल्टीप्लाई 5, 5 का टेबल 8 टाइम्स, 5 8 सा 40, 5 मल्टीप्लाई 3, 3 का टेबल 5 टाइम, 3 5 सा 15. ओके, तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करना है. नेक्स्ट देखते हैं हम फाइव मल्टीप्लाई 9, 9 को 5 टाइम्स, 9 का टेबल हमें 5 टाइम्स पढ़ना है. तो 9 5 सर 40, 5 5 2 मल्टीप्लाई 5, 5 का टेबल 2 टाइम्स, 5 2 इज आर 10, 4 मल्टीप्लाई 5, 5 का टेबल 4 टाइम्स, 5 4 इज आर 20. फिल इन द ब्लैंक्स. 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6 आपको इक्वल करना है, इसके बराबर हो गया. 5 मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ 3. 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू ब्लैंक मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ पर 5 इक्वल
ओके। चलिए आइए हम देखते हैं बी, 5 × 3 = 3 × 5, 9 × 5 = 5 × 9, 5 × 10 = 10 × 5, 5 × 0 = 0, 5 का टेबल 0 टाइम में पढ़ेंगे तो 0, 1 × 5 = 5, 1 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 5, 5 × 1 = 5, ये कंप्लीट हो गया। हाउ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ फार कैन यू गो इन 5 आवर्स एट 4 km/h, हाउ फार कैन यू गो, कितना दूर आप जाएंगे इन 5 आवर्स, 5 घंटे में, 5 आवर्स में, एट 4 km/h, अगर आप 4 किलोमीटर्स 1 घंटे में चलकर जाते हैं तो 5 घंटे में आप कितने किलोमीटर चलकर जाएंगे। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो ये मल्टीप्लाई होगा, 5 × 4 = क्या आएगा, 20 किलोमीटर्स, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 × 4 = 20 किलोमीटर, किलोमीटर को हम शॉर्ट में लिख देंगे KM, ओके KM। तो ये हमने आपको करके बता दिया, एक्सरसाइज 4 के आप अपने आप से कंप्लीट करेंगे, ये आपका होमवर्क है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, थैंक यू वेरी मच।